TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल है। हम हर जिले तक पहुंचे हैं, हर सीट तक पहुंचे हैं और हर जिले में मौजूद हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों से ये जानकारी हासिल की है। तो अभी आप जो आंकड़ा देख रहे हैं वो 0-0 है, लेकिन 6:30 बजे हम आपको बताएंगे, अरिया बस सबसे कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है संख्या बल। पहले चरण का जो पहला आंकड़ा है वो आपके सामने आ जाएगा एग्जिट पोल का अगले 3 मिनट, बस 3 मिनट के बाद आपको पता लग जाएगा बिहार की जनता ने क्या फैसला सुनाया है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे सबसे सटीक TV9 भारतवर्ष का ये एग्जिट पोल जो हमारे संवाददाताओं ने किया है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर, हर जिले में जाकर ये आंकड़े जुटाए हैं, लोगों से बात की और उसके आधार पर ये एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या है ये आंकड़े, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ RJD से नवल किशोर जी मौजूद हैं। नवल किशोर जी, क्या उम्मीद है? देखिए, इस बार जनता ने मुद्दों को बड़े ध्यान से सुना है और उसके साथ खड़ी दिखी है। जहां भी आप देखे होंगे तीनों चरण में लोग मुद्दों के साथ खड़े थे। जिन्होंने भी बासी बात की है, इतिहास के पन्नों का पलटने का कोशिश किया है, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है और यही चीज चुनाव के नतीजों में दिखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुत आराम से कंफर्टेबल पहला चरण में। सर, एक एक करके बात करते हैं। सर, ये तो आप सब कह रहे हैं लगातार, पहला चरण में 71 सीटें थी, RJD को कितनी मिल सकती है? नंबर पे कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के रुझान रहे हैं बिहार की जनता की, जिस तरह से लोगों ने हमारे नेता को सुना है, जिस तरह के हमारे मुद्दे के साथ खड़े रहे हैं, वो एकदम तय करेगा कि ये सरकार बदलेगी और नई सरकार आएगी जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।